एक साल तक करता रहा यौन शोषण, शादी से किया इनकार। निघासन कोतवाली जिला खीरी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। महिलाओं के बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार बेहद संजीदा है और हर संभव प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन महिलाओं से बदसलूकी, यौन शोषण और दुष्कर्म जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी तरह एक गांव की गरीब विधवा महिला की 16 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही एक युवक ने एक साल तक यौन शोषण करता रहा। जब किशोरी के परिजनों तक इस प्रेम प्रसंग की भनक लगी तो विधवा मां युवक सहित उसके परिजनों के हाथ पैर जोड़कर बिटिया के हाथ पीले करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। गुरुवार को कोतवाली पहुंची किशोरी की मां गुड्डी कल्पनी नाम ने प्रभारी निरीक्षक को बताया कि उसकी बेटी महज 16 वर्ष की है और गांव के एक मनचले युवक ने उसकी बेटी को बहला फू सलाकर अपनी प्रेमजाल में फंसा लिया था, जिसके साथ वह एक साल से यौन शोषण करता चला आ रहा है। जब इसकी भनक लगी तो युवक के परिजनों से शादी पक्की करके बिटिया के हाथ पीले करने का प्रयास किया, लेकिन युवक लोग शादी करने से साफ इनकार कर दिया है और धीरे धीरे यह मामला गंभीर बनता जा रहा है। पीड़िता की मां ने कहा कि जिससे मेरी बेटी और पूरे परिवार के लोग परेशान हैं और बेटी का हाल भी खराब होता जा रहा है। गरीब विधवा महिला ने युवक के द्वारा बेटी के साथ किए जा रहे यौन शोषण मामले में प्रभारी निरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। इस बाबत कोतवाल दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है, मामले की जांच कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित का कहना है, अगर शादी नहीं की तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। आप देख रहे हैं GGS न्यूज 24, प्रत्युष गुप्ता, मंडल ब्यूरो चीफ, लखनऊ की रिपोर्ट। टापरपुरा में रहता हूँ, खरबिया नंबर 2। क्या मामला? मामला ये था सर कि हमारे मतलब विपक्षी दिलीप कुमार यादव सब सर, मतलब उसके पिता का नाम रंगीलाल और मतलब हमारी बहन के साथ मतलब ऐसा ऐसा मतलब शारीरिक शोषण करता रहा और मतलब शादी के जाल में फंसा कर उससे शारीरिक शोषण करता रहा बराबर। फिर जब हम लोगों तक पता पहुंचा तो हम लोग उसके घर पर गए और उससे बात की कि भाई शादी कर लो, वो लोग शादी से इनकार कर दिए। अब बहन मेरी कह रही है अगर शादी नहीं करेगा मेरे साथ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अगर जो बहन आत्महत्या कर ली तो मेरा बस यही नियम है, करवा दी जाए। अगर शादी नहीं होगी उसकी, अगर उसकी शादी नहीं होगी, अगर जो आत्महत्या कर ले तो मतलब हमारे तरफ से नहीं उसके तरफ मुकदमा लिखा जाए। हमको एक साल से प्रेम जाल में फंसा और हमारे साथ एक साल से शोषण कर रहा है और कह रहा था कि आपके संग शादी करूंगा, अब कह रहा है शादी नहीं करूंगा और मैं शादी जरूर करूंगी, अगर जो शादी नहीं करेगा तो मैं आत्महत्या जरूर कर लूंगी। आपने कोई तहरीर निघासन थाने में दी, कोई कार्रवाई हुई? जी कार्रवाई नहीं हुई और एप्लीकेशन दी। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी नहीं।